अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम है आप सबको आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स वैली में। अज़ीज़ तलबा, आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथ का गेस्ट पेपर 2021। तो अज़ीज़ तलबा, गेस्ट पेपर डिस्कस करने से पहले मैं एक नज़र 10th क्लास मैथ के बोर्ड के पेपर पे डालते हैं। तो आपको एक पेपर नज़र आ रहा होगा जिसमें आपके सामने 15 नंबर के MCQs हैं और उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपने हर पार्ट में से 6-6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 2 लॉन्ग आपने करने हैं, जबकि तीसरा आपने थ्योरम करना है। ये शॉर्ट सा आपका पेपर पैटर्न था। अब इस तरह मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने MCQs कहाँ से करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, डिफाइंस कौन सी करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन आपने कौन कौन से करने, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकें। इस तरह आज की छोटी सी वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप इंशाल्लाह तर इस काबिल हो जाएंगे। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि आपको डर है कि आपकी यार मैथ में कहीं कंपार ना आ जाए, तो आप इंशाल्लाह तला मैथ में पास हो जाएंगे अगर आप इन टिप्स पे अमल करेंगे जो कि आज मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप शाइनर स्टूडेंट हैं, यानी कि आप मैथ में फुल बटर फुल नंबर लेना चाहते हैं, तो आज की वीडियो मुकम्मल देखने के बाद अगर आप इन टिप्स पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके अगर 75 में से 75 नहीं तो 73 74 तक लाजमी मार्क्स आ जाएंगे। तो आइए इस तरह शुरू करते हैं। अजीज़ तलबा, मैं हमेशा की बात करता हूँ कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में शानदार मार्क्स लेने हैं तो उसके लिए आपको प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आप प्लानिंग से तैयारी करें तो आपने अजीज़ तलबा सबसे पहले अपने मैथ के पेपर के MCQs तैयार करने हैं। तो MCQs आपने कहाँ से तैयार करने हैं? तो अजीज़ तलबा, MCQs तैयार करने के लिए आप सबसे पहले तो आपकी बुक के एंड पे जितने भी MCQs दिए हैं ना, आप उन सबको तैयार करें। हर बुक के एंड पे, सॉरी हर चैप्टर के एंड पे मैक्सिमम 10 से 12 MCQs हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये टोटल आपकी बुक के 154 या 145 MCQs बनते हैं। मैंने लास्ट टाइम अकेडमी में टेस्ट भी दिया था अपनी अकेडमी में MCQs का, ठीक है। तो इस तरह पर जब भी आप टेस्ट कर रहे थे टेस्ट दे, आप पहले MCQs का टेस्ट दें, ठीक है। टोटल 145 आपके MCQs बनते हैं। आप सबसे पहले MCQs का टेस्ट दें और अपने 15 नंबर MCQs के पक्के करें। आपको 100% श्योर हो कि आप हमारे MCQs के नंबर नहीं कटेंगे, हमारे 15 नंबर MCQs के आ जाएंगे। उसके बाद अजीज़ तलबा, जब आपके 15 नंबर MCQs का मुकम्मल हो जाए, मैं फिर रिपीट कर दूँ, तो आपने MCQs बुक के एंड वाले करने हैं, ठीक है। और अगर आप टॉपर स्टूडेंट हैं, शाइनर हैं, तो फिर आप जो हर चैप्टर के स्टार्ट में जो मैथ की कुछ ना कुछ थ्योरी दी होती है, आप उसको लाजमी टच करें। ये देखें, जितनी भी चीज़ें स्टार्ट में दे रखी हैं, 2 तरीके मसवात का हल है, या फिर छोटे छोटे साथ ही टेबल बने होते हैं, आप इनको हर चीज़ हर चैप्टर स्टार्ट में जो थ्योरी दी है, ये सारी चीज़ें आप लाजमी रीड करें। क्योंकि अगर आपके 15 नंबर के MCQs हैं तो 15 में से 2 से 3 MCQ चैप्टर के अंदर से भी आते हैं। तो इस तरह उम्मीद है कि आप MCQs तो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, आप इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करें। आप सबसे पहले इस तरह पर डिफाइंस तैयार करें। डिफाइंस भी आपको मेरी अकेडमी के नोट्स हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। आप उसके स्क्रीन शॉट्स ले लेना, ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह तरह फ़ायदा देंगे। तो इस तरह आपकी टोटल 10 से 12 डिफाइंस आती है पेपर में, ठीक है। तो अगर 10 भी है तो 20 नंबर के आपकी डिफाइंस बनती है। अगर आप मैथ में कमज़ोर है तो जस्ट आप MCQs तैयार कर लें और ये डिफाइंस तैयार कर लें, जो कि टोटल बनती हैं मैक्सिमम 60+ बनती हैं, ठीक है। आप तैयार कर लें तो आपके देखें 20 नंबर डिफाइंस के, 15 नंबर MCQs के, आपके 35 नंबर, आप अच्छे नंबर लेके पास हो जाएंगे। और जाहिर बात बाकी चीज़ें आपको आती होंगी, ठीक है। तो डिफाइंस की अगर हम बात करें तो सबसे जो मेन चीज़ है, बच्चे अक्सर डिफाइन लिखती हैं तो उसके साथ एग्जाम्पल नहीं देते। या आपको मैं कुछ पैटर्न दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे अपने नोट्स से लिखे हुए, आप इसके मुताबिक डिफाइंस तैयार करें। मैं एक एक पेज दिखाता चाहूँगा, आप इसके स्क्रीन शॉट बनाते जाएँ, ठीक है। ये पेज आपको डिफाइंस नज़र आ रही होंगी, जो भी डिफाइन लिखें साथ हेडिंग के साथ उसके एग्ज़ाम्पल लाजमी दें, जो भी आप बना सकते हैं एग्जाम्पल अपने पास से, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीन शॉट दें। नेक्स्ट है हमारे पास तगैयुर रास्ता है, तगैयुर मकसूर नातक कसर है, और इसके बाद है हमारे पास वाजब कसर, जो भी आप देख रहे होंगे, ठीक है। आप इसको अपने पास देख लें, स्क्रीन शॉट दे लें जो भी है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका ये जिस डिफाइन की डायग्राम बनती, डायग्राम लास्ट भी बनाए, डायग्राम बनाने से आपके नंबर स्कोर हो जाते हैं इस तरह। नेक्स्ट है हमारे पास आंडू तफाउल है, बाइजेक्टिव तफाउल है, सेट की डिफाइन है, जमाती हदूद, ये जितनी भी डिफाइंस मैं आपको बता रहा हूँ ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। कालिम नक्शा तब्दी तकसीम साबी औसत, इसी तरह ये चीज़ें आप देखते जाएँ। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये मयारीन हराफ वगैरह जाविया, ठीक है, डिग्री की तारीफ, ये जो भी, ये
यहाँ तक ना अजीज़ तलबा आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये टोटल 42 डिफाइंस हैं, ठीक है। लेकिन कुछ डिफाइंस एक्स्ट्रा हैं जो कि पेपर में बार बार रिपीट होती आती हैं। आपने करनी इनकी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, और डायग्राम हमेशा आपने कंपास यूज़ करके बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये दायरे की कोस हो गया, कोस सगीरा, कोस कबीरा, दायरे का बिलोना बिलोना आप देख रहे होंगे। डायग्राम जितनी आप नीट एंड क्लीन बनाएंगे उतने आपके नंबर स्कोर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट है ये 54 नंबर डिफाइंस, और ये एंड होगी। ये टोटल अजीज तलबा 56 डिफाइंस है। आप ये डिफाइंस अच्छे से याद करो और ऐसे लिखें जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो आपके इंशाल्लाह ताला डिफाइंस के 20 के 20 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। तो अजीज तलबा इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हम लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से करेंगे या फिर शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से करेंगे। अजीज तलबा शॉर्ट क्वेश्चन की जहाँ तक बात है, आपके जो हर चैप्टर के एंड पे जो आता मशकें रिव्यू मशकें उनमें से ज़्यादातर तो डिफाइंस हैं। डिफाइंस आपने इन नोट्सों से कर लेने जोड़ के आपके साथ मैंने हल्के से शेयर किए, ठीक है। आप इनके स्क्रीन शॉट्स ले लें। उसके बाद ये एंड पे जो दो तीन सवाल हैं हर चैप्टर के एंड पे, जिस तरह आप इनको तैयार कर लें, और कुछ मखसूस एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, जो कि आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन या कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। मज़ीद अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जितने भी अहम शॉर्ट क्वेश्चन आपकी टेंथ मैथ के उस पर एक अलहदा बना के वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ रही है। तो नेक्स्ट इस तरह जहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन की बात है, तो आपने थ्योरम जो करना है ये सिर्फ चैप्टर 9 के थ्योरम कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इन दो थ्योरम्स में से सारे भी आपने नहीं करने, सिर्फ दो थ्योरम है चैप्टर 9 के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, उनमें से एक थ्योरम आ जाना है, ठीक है। तो ऐसे इस तरह उसके बाद आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ये मुकम्मल करें, ठीक है। इधर से आपके दो लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो इस तरह आपको मैं मशवरा दूंगा, अगर आप चैप्टर नंबर 3, 4 को स्किप करना चाहें, क्योंकि दोनों लेंथी चैप्टर, आप इसकी बजाय चैप्टर नंबर 5 और 6 करें। ये दोनों आसान भी हैं और आप आसानी से कर भी सकते हैं। तो आप चैप्टर नंबर 1, 2 का लॉन्ग कर लें, चैप्टर 5, 6 का कर लें, और चैप्टर नंबर 9 की थ्योरम कर लें। इस तरह बड़ी आसानी के साथ इंतहाई कम वक्त में अच्छे से अच्छे मार्क्स मैथमेटिक्स में ले सकते हैं। इस तरह ये था 10th क्लास मैथ का गेस्ट पेपर जो कि आपके साथ हमने शेयर किया। तो मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव और स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ बर वक्त हासिल करने के लिए मैथमेटिक्स वाले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।